हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमने आपसे कुछ फीडबैक मांगा था रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स को लेके, तो उसमें आपने जो फीडबैक दिया उसी के हिसाब से फिर मैंने सोचा कि हम इस पे वीडियो बनाएंगे। एक मैंने वेबसाइट सेलेक्ट करी है, मीन्स एक लैंडिंग पेज आपको हम बना के दिखाएंगे फ्रॉम अ लोडर। जब एक वेबसाइट लोड होती है तो उसमें जो लोडर आता है वहाँ से लेके एक फुटर तक, तो वो सिंगल पेज होगी, मीन्स लैंडिंग पेज होगा जिसमें हम मैक्सिमम सेक्शंस कवर करेंगे, होम पेज, अबाउट, ये सारे। तो मैंने इनको पार्ट वाइज वीडियो में डिवाइड किया है। तो आज जो मैंने पार्ट पिक किया है वो है लोडर। हम आपको एक लोडर बना के दिखाएंगे और पूरी स्ट्रक्चरिंग करेंगे कि एक वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, एक लैंडिंग पेज स्टार्ट करते हैं, तो कैसे कैसे उसमें चीज़ें हम इंक्लूड कराते हैं, ऐड कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो चलिए सबलाइम की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है वेबसाइट प्रैक्टिस के नाम से, और इसको हम ड्रैग कर लेंगे अपने इस पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे मेन जो फोल्डर्स होते हैं जो कि मैंने आपको बता रखा है, बट हम यहाँ पे फिर से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मेन होता है वो होता है असेट। तो मैंने असेट्स, ये बहुत सिंपल विदाउट बूटस्ट्रैप रहेगी ये वेबसाइट। तो सबसे पहले हम आपको विदाउट बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के वेबसाइट बना के दिखाएंगे, उसके बाद हम विद बूटस्ट्रैप भी बनाएंगे। तो क्योंकि सब जगह ऐसा नहीं होता कि हम बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह होता है जहाँ पर हमें बिना बूटस्ट्रैप के बनाना होता है। तो आपको दोनों तरह से आना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों चीज़ सेलेक्ट करी है। तो आज हम देखेंगे बिना बूटस्ट्रैप के। तो ये मैंने असेट्स बना लिया है। असेट्स के अंदर हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, हमारी इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने इमेजेस बना लिया है। फिर हमें सीएसएस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सीएसएस फोल्डर बना लिया है। फिर हमें जेएस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम जेएस का फोल्डर भी बना लेते हैं। तो ये मैंने असेट्स के अंदर ये फोल्डर यहाँ पे बना लिया है। तो वो जब ओपन करेंगे, यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जो कि हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से होगी। तो ये मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है सेव। तो ये हमारी कुछ इस तरह से हो गई। अब सीएसएस के अंदर हम बना लेते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस। ये मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस स्टाइल के अंदर बना ली। इमेजेस, जब हमें इमेजेस डालनी होंगी तो हम इमेजेस रख लेंगे इसमें। और फिर हम यहाँ पे मैंने जेएस का फोल्डर बना लिया, तो इसमें हम न्यू फाइल कर लेते हैं, कंट्रोल एस कस्टम डॉट जेएस। ये मैंने यहाँ पे कस्टम डॉट जेएस रख ली है। तो ये हमारी फाइल हमने तीनों बना ली हैं, रेडी हो गई हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे आएंगे और इसमें हम लिखेंगे अपना जो मेन एच टी एम एल होता है, हम उसको पहले बिल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा जी मैंने करा है इसमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले एच टी एम एल लैंग्वेज करके एट्रीब्यूट यहाँ पे ब्लैंक डाल देते हैं। और अब हम इंक्लूड कराएंगे हेड में हमारे मेटा टैग्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम मेटा टैग इंक्लूड कराते हैं, मेटा मेटा नेम हमारा, पहले हम कहते हैं कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट, उसमें हम लिख देते हैं UTF-8। UTF-8 ही जनरली यूज़ करते हैं। फिर हम दूसरा मेटा यूज़ करेंगे, मेटा, ये हमने मेटा टैग कंपैटिबल एज के लिए लिख लिया है। अब हम लिखते हैं इसमें मेटा, जो हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए, तो कि हमारी वेबसाइट किस पे है, तो वो हम लोग यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, जो मेटा नेम हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन क्रिप्शन, और हमारा कंटेंट क्या होगा, यहाँ पे हम जिस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं हम वो वेबसाइट यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपका कंटेंट होगा। रिगार्डिंग मैंने लिख दिया मार्केटिंग, कि हमने मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहे हैं। आप जो भी लिखना चाहे, फूड की वेबसाइट या जिस भी बना रहे हैं, तो आप वो वहाँ पे कंटेंट में, मतलब जो भी आप लिखना चाहे वो कंटेंट में लिख सकते हैं। फिर हम मेटा टैग यूज़ करेंगे कीवर्ड्स, जो हमारा नेम होगा वो कीवर्ड, दैट मीन्स ये हमारा एसईओ के लिए है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जो कि हमारा एचटीएमएल यूज़ करेंगे हम इसमें, और इसमें हम यूज़ करेंगे सीएसएस, इसमें हम डाल देते हैं जेक्वेरी, ये मैंने तीन इसमें ऐड कर दिए हैं। फिर हम इसमें करेंगे ऑथर, अगर आपको कोई, जैसे आपका जो भी डोमेन नेम या जो भी होगा आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी आप कहो, जैसे मैंने डाल दिया डिज़ाइन विद रेहाना,
ठीक, ये हो गया। अब हमारा आता है लास्ट मेटा टैग, जो कि हमारा व्यू पोर्ट। दैट मीन्स ये व्यू पोर्ट हमारा होता है स्क्रीन के लिए, मीन्स हमारी जो मीडिया क्वेरी जो हमारी सभी स्क्रीन पे जिसमें वो सही दिखे। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी मीडिया क्वेरीज नहीं चलेंगी। तो यहाँ पे हम मीडिया क्वेरी फिल कर देते हैं। ये हमारे सारी मेटा टैग्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने मेटा टैग लिख लिया। अब हम टाइटल, हम कुछ भी लिखना चाहें जो कि हमारा टॉप पे आता है, उसमें हम लिख देते हैं डिज़ाइन विद रेहाना। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है। ये हमारा टाइटल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन हेड सेक्शन अभी कंप्लीट हो गया है। अभी हम पूरा अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हेड के बाद हमारी आती है, हमें इसमें फाइल इंक्लूड्स करानी है। तो हम करेंगे लिंक। अब हमें सबसे पहले हम स्टाइल अपने इंक्लूड करा लेते हैं। तो हमें स्टाइल के लिए यहाँ पे हमारा रेफरेंस क्या होगा, स्टाइल शीट। तो वो मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट डाल दिया है, और यहाँ पे हम अपना पाथ डाल देंगे। तो हमारा पाथ क्या है, हमें अगर इस तक पहुँचना है तो हम कैसे जाएंगे, पहले हम असेट्स के अंदर जाएंगे। तो मैंने लिखा असेट्स, फिर हमारा असेट्स के बाद हम जाएंगे सीएसएस में, और उसमें हमें मिलेगी स्टाइल डॉट सीएसएस। तो ये मैंने इंक्लूड करा ली है सीएसएस की पाथ यहाँ पे, और यहाँ पे हम सीएसएस अपनी इंक्लूड करा लेंगे। तो ये हमने अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। और फिर हम इसमें यहाँ पे बॉडी में हम लिख लेते हैं कमेंट HTML सेक्शन, इसको हम करते हैं टैब। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लोडर। अब हम इसमें लिखेंगे लोडर की HTML। तो सबसे पहले हम लोडर बनाने के लिए बनाते हैं डिव, और उसकी हम दे देते हैं ID, जो कि हम यूज़ करेंगे CSS और जो कि हम JS में। तो मैंने यहाँ पे इसकी ID दे दी है लोडर, और इसको हम कर देते हैं बंद। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं इमेज टैग। तो अब हम यहाँ पे इमेज का पाथ डालेंगे। तो यहाँ पे हम जो कि मैंने उसमें इमेज के अंदर रख रखा है, अगर हम ओपन करेंगे लोडर डॉट जिप, जो कि मैंने लोडर डॉट IO से निकाली है। और अगर आपको लिंक चाहिए तो आप जो है वो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वाला वीडियो देख के लिंक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे फोल्डर का सही नेम, पाथ जो हम जाएंगे असेट्स के अंदर, असेट्स के बाद हम जाएंगे इमेजेस के अंदर, और इमेजेस के बाद हमारा होगा लोडर डॉट जिफ, लोडर डॉट जिफ। अब हम यहाँ पे लिख देंगे ऑल्टरनेट टेक्स्ट, जो कि हमारा होगा लोडर। अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ये हमारा इस तरह से लोडर बन के आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे इसकी CSS। तो हम आते हैं CSS पे, यहाँ पे हम आए, और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कमेंट। यहाँ पे हम वही कमेंट डालेंगे जो कमेंट हमने HTML में यूज़ किया है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि किस सेक्शन की CSS लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश लोडर, और हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अब हम लिखेंगे CSS पोजिशन फिक्स्ड टॉप टॉप 0 बॉटम 0, क्योंकि हमें उसको सेंटर में दिखाना है, तो इसलिए हम CSS उसको डिजाइन करेंगे। लेफ्ट 0 राइट 0, फिर हम उस पर राइट 0 पे लगाएंगे, फिर हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि मुझे वो सेंटर चाहिए। फिर हम लिख देते हैं अलाइन आइटम सेंटर, ये हमने अलाइन आइटम सेंटर लिख दिया है। अब हम बैकग्राउंड कलर भी देंगे उसका, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे आएंगे कलर हंट, और यहाँ से हम कोई भी अगर हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला कलर, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पे डालते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम हैश के साथ वो कोड पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया, हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है। अब हम देंगे यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये हमने CSS भी बना दी है और इसकी HTML भी बना दी है। अब हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं ये कैसा दिख रहा है।
तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे इंस्पेक्ट, और क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ी सी फास्ट होती है, इसलिए आप लोग को भी हम यही एडवाइस देंगे कि आप लोग इंस्पेक्ट पे ही सीएसएस को ऐड करें और फिर वहाँ पे जाके पेस्ट करें। तो यहाँ पे मैंने इमेज लिख दिया है, अब यहाँ पे हम हैश लगा के इसकी आईडी, और ये मैंने एंटर कर दिया। अब हम यहाँ पे इसकी विड्थ थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हमारा वो अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक अब बेटर लग रहा है, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और हम जाएंगे अपनी स्टाइल वाले फाइल में, यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। तो अगर हम अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। मींस हमारा जो वाली पेज थी वो हमारी डिज़ाइन हो चुकी है, जो हमारी वेबसाइट वाली जो लोडर वाली है अब, बट ये हमारा ऐसे ही कांस्टेंट रह रहा है। अब मुझे उसे कुछ सेकंड्स तक दिखाना है, अभी तो हम स्टैटिक रखेंगे क्योंकि हम अपने हिसाब से इसमें सेकेंड्स लगा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे कस्टम जेएस में, और यहाँ पे हम कुछ जेएस लिखेंगे, उसमें टाइम सेट करेंगे कि इतने टाइम तक वो हाइड हो जाए वो। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं, इसको हम पहले इंक्लूड करा लेते हैं, और इसको इंक्लूड कराने के लिए पहले हमें जे क्वेरी का सीडीएन इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो अब हम इंक्लूड कराएंगे जेएस, अब हमें लिखनी है, तो जेएस के लिए हम सबसे पहले सीडीएन इंक्लूड करा लेते हैं और जेएस इंक्लूड करा लेते हैं। सीडीएन आप वैसे भी इंक्लूड करा सकते हैं अगर आपके पास डाउनलोडेड रखी है, बट अभी के लिए हम सीडीएन इंक्लूड करा लेते हैं। ये मैंने जेक्वेरी की लाइब्रेरी इंक्लूड करा ली, तो अगर आपके पास डाउनलोडेड है तो आप वो इंक्लूड करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सीडीएन की जेक्वेरी इंक्लूड करा दी। अब हम दूसरी चीज इंक्लूड करानी है हमें, स्क्रिप्ट जो हम इंक्लूड कराते हैं वो हम नीचे लिखते हैं हमेशा डिव के बॉडी के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं src, और यहाँ पे हमारी फाइल का पाथ दे देते हैं असेट्स। फिर हमारा आता है js, js के अंदर हमारी है custom.js, ये मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट इंक्लूड करा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी js में जाएंगे और हम उसकी js लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं jQuery, तो सबसे पहले हम लिखते हैं डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर हम पहले शो लिखेंगे क्योंकि इनिशियली वो हाइड रहेगी। तो यहाँ पे लिखा मैंने जे क्वेरी। अब हम जे क्वेरी के अंदर हमें ब्रैकेट में वो आईडी देनी है जो कि हमने दी थी डिव पे, तो यहाँ पे हम देते हैं डॉलर जिस पे मुझे काम करना है। यहाँ पे हम लिख देंगे शो, और ये मैंने शो फंक्शन चला दिया। अब हम लिख देते हैं सेम। अब हम सेट टाइम आउट फंक्शन चलाएंगे क्योंकि हमें कुछ टाइम तक ही दिखाना है, तो हमें इसे कुछ टाइम बाद हाइड भी करना है, तो मैंने सेट टाइम आउट फंक्शन चलाया। अब हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कुछ टाइम के बाद हमें क्लोज कराना है, तो मैंने लिखा जे क्वेरी किसे क्लोज कराना है, हम वही वाला हैश जो मैंने सीएसएस डिव दी थी वो हम दे देते हैं यहाँ पे आईडी, और यहाँ पे हम लगा देंगे हाइड फंक्शन। यहाँ पे हमने लगा दिया हाइड फंक्शन, और अब हम हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पे आएंगे और इस पे हम देंगे कॉमा, और हम दे देंगे 800 दे देते हैं स्पीड, या फिर आप जितनी भी आप देना चाहें यहाँ पे, आप उस हिसाब से कितनी देर आपको दिखाना है। और ये भी हम स्टैटिक दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसीलिए स्टैटिक वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे दे दी है। और इसको इनिशियली मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नन रखा हुआ है, तो इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख रहे हैं अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारी इस टाइम के बाद वो हट जाती है। अगर हम इसकी यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 1000, तो ये हमारा कुछ टाइम तक और रुकी रहेगी। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 2000, जितनी देर हमारा वो स्टैटिक है तो आप वैल्यू अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो ये हमारा लोडर कंप्लीट हो चुका है, और जो भी हम ऐड कराएंगे, जो भी हम इंक्लूड कराएंगे, अब वो हम लास्ट में कराएंगे। तो इसको फिलहाल के लिए मैंने गलती से अंदर रख दिया है कमेंट के, तो उसको हम अंदर बाहर रखेंगे।
अब हम नेक्स्ट पार्ट में, अब यहाँ से हम दूसरा कमेंट इंक्लूड कराएंगे जो कि नेविगेशन का होगा, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड कराएंगे। आज हमारा लोडर था, तो आज लोडर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब हम इसी में सारी CSS और JS और जो भी हमें होगा हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है जो कि लोडर। तो होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज हमने लोडर पार्ट कवर किया है। तो जो जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, तो जल्दी से मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा नेविगेशन रहेगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करते रहें जो भी हैं। और हमारे कुछ क्रिएटिव वीडियोज भी रहते हैं जो कि वेनेसडे को आते हैं, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।